हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, निश्चित ही आपके इस प्रेरणास्पद और सारगर्भित उद्बोधन ने प्रदेश की जनता के मन मस्तिष्क में एक नवीन ऊर्जा का संचार किया होगा। और आइए, आज मेरे साथ 5 लोग जुड़े हैं जी, एक एक मिनट में उनसे बात कर लेता हूँ। अलीराजपुर में नगर परिषद जोबट से कैलाश प्रजापति जुड़े हैं क्या? जी सर। कैलाश जी कहाँ हो? अच्छा, कहाँ? अच्छा, जोबट के हो आप जी। क्या करते हो? मटके काम करता हूँ, मिट्टी का। मटके, मिट्टी से मटके बनाने का जी। कहाँ, जोबट में बिक जाते हैं? हाँ, जोबट में बिक जाते। कोरोना के काल में तो नहीं बिक पाए होंगे? नहीं, कोरोना काल में नहीं बिके। अरे, ये मकान अपना पुश्तैनी मकान है? हाँ, नहीं, आप पट्टा मिला था ऐसे। नहीं, ये जो ये मतलब आपके पास मकान है कि नहीं है? नहीं, यही वाला है। यही वाला है? अब इसकी जगह पक्का मकान बनाओगे ना जी? तो आज आपके खाते में पैसे पहुंच गए कैलाश भाई जी। अच्छा मकान बनाओ और समय पे पूरा करो जी। ये बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? एक छठी में गया, एक सातवीं में गई लड़की, आठवीं में गई लड़की। अच्छा अच्छा तो आठवीं के स्कूल तो बेटी अब खुल जाएंगे, छठवीं के भी खुल जाएंगे जी। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हो, दोनों को अच्छे से पढ़ाना। आपको बहुत बहुत बधाई कैलाश प्रजापति जी, शुभकामनाएं आपको। संवाद के इस क्रम में निवारी पृथ्वीपुर से श्रीमती सरस्वती विश्वकर्मा जी से अब माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सरस्वती बहन, मेरी आवाज आ रही? हाँ, मैं सब आ रही। कैसी हो आप? ठीक है मैं सब। अच्छा, आपके साथ तो विधायक जी भी बैठे हैं आज। क्या करते हैं क्या सरस्वती बहन? हम घर में जाकर खाना पकाते हैं। अच्छा, ये घरों में भोजन बनाते हैं? हाँ, मजूरी में करते हैं। अच्छा 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 और परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में कौन कौन है आपके? शायद निवारी से संपर्क टूट गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए आपको सागर की ओर ले चलते हैं। और खुरई से श्री मनीष रजक जी यहाँ पर मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मनीष रजक जी से संवाद करेंगे। मनीष, मेरी आवाज आ रही है आपको? मनीष रजक, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ गड़बड़ पैदा हुई क्या? हर जगह की हुई है या अपने यहां से हुई है? सरस्वती को भी आवाज नहीं आ रही ना मेरी? एक बार कोशिश करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब तक ये कनेक्शन हो रहा है और ये जो परेशानी आ रही है उसको देखते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना AHP घटक अंतर्गत आवासीनों एवं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपने स्वयं की भूमि नहीं है, उनके लिए नगर पालिका निगम खंडवा द्वारा जसवाड़ी रोड पर चीरा खदान क्षेत्र में कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए पार्किंग प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल पर आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार से 3 लाख रुपए की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ है और ऐसे 5 हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी आवासों की चाबी भेंट करेंगे। 5 हितग्राही, नाम बुलाओ ना। जितेंद्र गाठे जी, जितेंद्र गाठे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी चाबी भेंट करेंगे। करतल ध्वनि से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना AHP घटक के हितग्राहियों को चाबी वितरण यहाँ की जा रही है प्रतीकात्मक रूप से, और इसी क्रम में अन्नपूर्णा जैन को मैं आमंत्रित करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अन्नपूर्णा जी को चाबी भेंट करेंगे। लो, अन्नपूर्णा जी, बहुत बधाई।
हार्दिक धन्यवाद। प्रवीण डांगोरे जी से हम माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें चाबी भेंट करेंगे। प्रवीण डांगोरे जी लो भैया, प्रदीप खुश हैं, बधाई आपको। मनीषा डांगोरे जी को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथि चाबी भेंट करेंगे। क्या बात है, राम डांगोरे लो बेटी, बहुत बधाई, बधाई बेटी। और इसी क्रम में राजराम पवार जी को माननीय मुख्यमंत्री जी चाबी भेंट करेंगे। राजराम पवार जी बधाई। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं तमाम मंचासीन अतिथि। और आइए अभी को आगे बढ़ाते हैं। और अभी जोड़ पा रहे हैं क्या, सरस्वती बहन जोड़ पा रही? निवारी पृथ्वीपुर से श्रीमती सरस्वती विश्वकर्मा जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। सरस्वती आवाज आ रही बहन? आ रही भाई साहब। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि परिवार में कौन कौन है आपके? अच्छा, तो पतिदेव क्या करते हैं? पतिदेव लाइट फिटिंग का काम करते हैं मिस्त्री। अच्छा, तो अभी तक अपना पक्का मकान नहीं था? नहीं सर। तो इच्छा तो होगी कि पक्का मकान होना चाहिए? हाँ, उम्मीद तो हो कि कच्चे मकान में रहते रहे और परेशान रह रहे हैं, हमारा भी पक्का मकान बन जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सबका देखते थे तो बहुत बुरा लगता था कि हमारा क्यों नहीं है पक्का मकान। आज आपको अच्छा लग रहा है? आप बहुत बहुत इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी वहाँ से। चलिए, तो सरस्वती बहन आपको बहुत बहुत बधाई, परिवार को बहुत बहुत बधाई, अच्छा मकान बनाइए और पक्के मकान में रहिए। हार्दिक धन्यवाद। और अब इसी क्रम में खुरई जिला सागर से श्री मनीष रजक जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। मनीष जी आवाज आ रही मेरी आपको? जी सर। क्या करते हैं मनीष? नमस्ते। नमस्ते, क्या करते जी, हैं? मोबाइल सुधारने का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार मेरी पत्नी, दो बेटे, एक बेटा। अच्छा, और पांच सदस्य हैं। आपके साथ तो भूपेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं जी। सौभाग्य है हमारा। अरे, हमारा भी सौभाग्य आपसे बात कर रहे हैं जी। आप जी, तो बच्चे अभी काय में पढ़ते हैं? बच्चे, बड़ी बेटी है वो सातवीं कक्षा में पढ़ती है और छोटी वाली चौथी में, और एक बेटा है वो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अब तीनों को ढंग से पढ़ाना, लेकिन बिल्कुल आपका आशीर्वाद है, हमारे माननीय भूपेंद्र भैया जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल ऐसा ही बना रहे। तो दोनों बेटी और बेटा मुझे दिख रहे हैं, तीनों पीछे खड़े, कैसे हो बेटे? ठीक है, नमस्ते। नमस्ते, अच्छे से पढ़ाई करोगी? अच्छा, ये बताओ स्कूल खोलेंगे बंद रहने? बोलो बेटी। खोल दीजिए। अब बेटी कह रही खोल दीजिए, लेकिन 50% की क्षमता से खोलेंगे और कोरोना का पूरा पालन करते हुए और नजर रखेंगे उस पर। तो बेटी अच्छे से पढ़ना, अब अच्छा मकान पापा बनवा रहे हैं, और अब कच्चे में नहीं, जब मकान बन जाएगा तो पक्के घर में रहोगे। बहुत बहुत बधाई मनीष जी आपको, बहुत बहुत आभार। हितग्राही संवाद के इस क्रम में बैरसिया जिला भोपाल से श्री राजेश यादव जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। राजेश जी नमस्कार। नमस्ते सर जी, कैसे हो राजेश? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं सर। कहाँ, बैरसिया में आसपास? जी, बैरसिया में। खत्री जी भी आपके साथ बैठे हैं भाई जी, विधायक जी अपने। सौभाग्य सर। अच्छा, अच्छा, घर में और कौन कौन है परिवार में? मेरे पिताजी हैं। पिताजी साथ में बैठे हैं जी सर, साथ में बैठे। राम राम साहब, नमस्ते। अच्छा, बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं सर। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बड़ा वाला बेटा 11वीं में है, छोटा वाला 5वीं में है। आगे पढ़ाना है राजेश भाई? जी सर, जी सर।
अभी कृपा से। घर अभी तक कच्चा था? कच्चा था सर, किराए से रहता था। अच्छा, किराए से रहते थे। तो आप जो मकान बना रहे हैं उस जमीन का पट्टा है आपके पास? मकान कहाँ बना रहे हैं? वो सर मैंने क्या करा के थोड़ा थोड़ा मेहनत मजदूरी करके पैसा जोड़ा था। हाँ हाँ। तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में जमा कर करके मैंने ये प्लाट खरीद लिया था। अरे बहुत बढ़िया प्लाट। जी सर मेरी पूंजी एंड होने के बाद ये प्रधानमंत्री आवास योजना का मालूम चला तो मैं नगर पालिका गया, आवेदन जमा किया वहाँ। तो वहाँ पर ये अतिथिगण श्री सीएमओ मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा राजेश, एक बात बताओ, कोई ने पैसा ऐसा तो नहीं लिया मकान स्वीकृत करने गए? नहीं सर, किसी ने मुझको एक पंजी नहीं ली मुझसे। मेरी कसम। आपकी कसम सर, आपकी कसम। चलो ये अच्छी बात है, अच्छी बात है ये तो। अब अच्छे से ढंग से बनाना भैया राजेश। और हमारे बेरसिया तहसील के क्षेत्रीय ग्रामीण विधायक जी श्री बिस्कु खत्री जी का बहुत योगदान रहा हमारे साथ सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारा तो मकान बन गया, ये गृह प्रवेश है आज, है ना? जी सर, गृह प्रवेश हो गया। किसी दिन मैं भी रोटी वोटी खाने आता हूँ। जी सर खिलाओगे? जी सर खिलाऊंगा। जी सर ठीक ठीक है, बहुत बधाई। जी सर माननीय मुख्यमंत्री जी, आइए अब आपको उज्जैन लेकर चलते हैं, जहां हमें मिलेंगे श्री पप्पू गोयल जी। उज्जैन में श्री पप्पू गोयल जी से माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद करेंगे। पप्पू कैसे हो भैया? सर बढ़िया है सर। क्या करते हो पप्पू? सर मैं फ्लेक्स प्रिंटिंग काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पारस जी भी आपके साथ बैठे हैं? जी सर। काम शहर में मिल जाता है? जी सर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में सर भैया है, दीदी हैं और मिसेस है। तो उनका नाम तो उनका बताने में शर्मा क्यों रहे हो? भैया और दीदी है तो वो भी है, उसमें क्या दिक्कत? अर्धांगिनी है। अच्छा, बच्चे कितने हैं? सर दो बच्चे हैं। पढ़ रहे हैं दोनों? दोनों सर पीछे खड़े हैं। अच्छा, दोनों पीछे खड़े हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम गोयल। शिवम, और दूसरे भैया का क्या नाम है? लकी गोयल। लकी, बड़े लकी हो यार। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? फिफ्थ। आप फिफ्थ में पढ़ रहे हैं, और भैया कौन सी क्लास में हैं? एट्थ। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। वेरी गुड। पप्पू पढ़ाओगे ना? जी सर पढ़ाऊंगा ना। एक बात मैं क्या कह दे रहा हूँ कि डॉक्टर बनने मेडिकल कॉलेज में बेटा मेहनत करो, एडमिशन हो गया तो फीस भी मामा भराएगा, चिंता मत करना तू। जी सर, ऐसे बच्चों के लिए योजना बनाइए जो प्रतिभाशाली है। जी। और सरकार की कोई और योजना का लाभ मिला आपको? सर मिला ना सर। काय का? संबल योजना सर। संबल में भी नाम है? हाँ सर वो आयुष्मान कार्ड का भी सर। आयुष्मान कार्ड बन गया? जी सर। चलिए तो पप्पू भाई, आपको पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आज तो गृह प्रवेश हो रहा है, मकान बढ़िया दिख रहा है। जी सर। किसी दिन आता हूँ मिलने आपसे। जी सर आइएगा। अरे बोलो माइक पे। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ, आप उज्जैन आओ महाकाल की सवारी में, तो हमारे यहाँ जरूर पधारना और दाल बाटी खिलाएंगे आपको सर। अच्छा, दाल बाटी खाऊंगा, पक्का हो गया पारस जी? पक्का हो गया? पक्के में सर। ठीक है, तो दाल बाटी मेरी उज्जैन की पक्की, मैं जरूर आऊंगा, आप चिंता नहीं करें। एक बात और घुमा भी सर साथ में। भाई साहब अकेले नहीं आना, भाभी जी को, परिवार को, सबको लेके आना। अच्छा, भाभी जी को भी लेके आऊंगा। भाभी जी मतलब मेरी तो धर्मपत्नी है। मेरी भाभी आपकी धर्मपत्नी। ठीक है। तो सब मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। आप आज गृह प्रवेश कर रहे हैं पप्पू भाई और पूरे परिवार को धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी संवाद स्थापित कर रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हितग्राहियों से।
और अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह करती हूँ श्री निकुंज श्रीवास्तव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास।